क्या आप जानना चाहते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स एंड शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आती रहेगी। जब कभी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो उनके पास कुछ रास्ते होते हैं, जैसे कि या तो वो बैंक से जाकर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स ले ले, या वो अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर दे। लेकिन व्हाट इफ कंपनीज ऐसा ना करना चाहे, उस केस में कंपनीज सर्टिफिकेट्स इश्यू कर देती है टू द जनरल पब्लिक, जिसे ही बोलते हैं डिबेंचर्स, और ये इश्यू किए जाते हैं फॉर फिक्स ड्यूरेशन एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये डिबेंचर्स आखिर होते किस किस टाइप के हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है कि इनको आप शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन इस टाइप के डिबेंचर में दिया जाता है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वो डिबेंचर एलिजिबल हो जाएगा शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नाम से ही पता लगता है कि इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि होता है सिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट में कंपनी का कोई फिजिकल एसेट एज अ कोलैटरल अटैच्ड होता है। कंपनी की बैंकरप्सी की नौबत आ जाती है तो उस केस में उन एसेट्स को बेचकर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनकी पेमेंट की जा सकती है। नॉन सिक्योर डिबेंचर्स के केस में ऐसा नहीं होता है, कंपनी का कोई भी एसेट एज कोलैटरल अटैच नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा हाई हो जाता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बेटर मिल जाते हैं। शेयर्स के बारे में तो हमें समझ आ गया कि कंपनी अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर देती है और उस तरीके से फंड्स रेज करती है, और डिबेंचर्स के केस में सर्टिफिकेट्स इश्यू करती है। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है वो होता है नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, शेयर्स में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आप एक्चुअली में कंपनी में अपनी ओनरशिप लेते हैं, लेकिन डिबेंचर्स के केस में आप कंपनी को लोन दे रहे हैं, ना कि उसमें ओनरशिप ले रहे हैं। रिटर्न्स की बात कर ले तो शेयर्स के केस में आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। अगर कंपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट को डिविडेंड्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस चाहे अप एंड डाउन हो, डिबेंचर्स में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉमिस किया जाता है, जो कि आपको पीरियोडिक बेसिस पे मिलता रहता है। रिस्क की बात कर ले तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, इस वजह से शेयर्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क हायर साइड पे होता है, लेकिन डिबेंचर्स के केस में रिस्क लाइटली लोअर होता है। सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट की बात कर ले तो शेयर्स के केस में तो आपको पेमेंट तभी मिलेगी जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। डिबेंचर्स भी एक अनसिक्योर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रायोरिटी हायर मिलेगी। अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उस केस में डिबेंचर्स होल्डर्स की पेमेंट पहले होगी और फिर शेयर होल्डर्स की पेमेंट होती है। शेयर्स के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं और उस केस में आप कंपनी के डिसीजंस में भागीदार बन सकते हैं, लेकिन डिविडेंड्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप कंपनी को ऑब्वियसली लोन दे रहे हैं। अलाउएबल डिडक्शन, कंपनी को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो उन पे कंपनी डिडक्शंस नहीं क्लेम कर सकती है। जब कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है तो वो उनका बिजनेस एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस के अगेंस्ट वो डिडक्शंस भी क्लेम कर सकती है और अपना टैक्सेस बचा सकती है। कन्वर्जन की बात कर ले तो शेयर्स को डिबेंचर्स में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है जब आप परचेज करने के लिए जाते हैं, तो इस टाइप के डिबेंचर्स भी अवेलेबल होते हैं। रिपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर आप शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी की बैंकरप्सी की नौबत आती है तो उस केस में कंपनीज की जो पहले लायबिलिटीज होती है उनका पेमेंट किया जाता है और फिर शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। डिबेंचर्स के केस में उनको प्रेफरेंस मिलता है ओवर शेयर्स, सो दे आर पेड बिफोर शेयर होल्डर्स। ये कंसोलिडेटेड डिफरेंस है शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अब एक और क्वेरी जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में होते हैं कि डिबेंचर्स सुनने में अच्छे लग रहे हैं, सिक्योरिटी भी हाई है, यहाँ पे प्रायोरिटी भी बेटर मिलती है, लेकिन क्या डिबेंचर्स को हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। डिबेंचर्स को आराम से सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, इस वजह से यहाँ पर आपको लिक्विडिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फिक्स फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आपको फिक्स ड्यूरेशन के लिए और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर आप वो मैच्योरिटी पीरियड कवर नहीं कर पा रहे हैं उससे पहले ही मार्केट में जाकर आप इसको बेचना चाहते तो उस केस
केस में हो सकता है कि आपको सस्ते में बेचना पड़े। इसलिए डिबेंचर्स में तभी इन्वेस्ट करें जब आपको क्लियर हो कि आप उसके मैच्योरिटी पीरियड को कवर कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।